वाले चुनाव को लेकर सियासत काफी ज्यादा गर्मा चुकी है, और ऐसे में जो जहां पे पोस्टर वॉर है उसमें अब जिन्ना की एंट्री, जिनकी एंट्री भी यहां पर हो चुकी है, और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर निशाने भी साधा गया है। यहाँ पर पोस्टर वॉर पुलकित हम लगातार देख रहे हैं कि क्योंकि इसी साल अगर हम बात करें तो बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, और इसे लेकर मुख्य जो यहाँ पर पार्टियां हैं अगर हम जेडी और आरजेडी की बात करें तो दोनों ही आपस में हमेशा पोस्टर वॉर को लेकर जो है वो चर्चा में बने रहते हैं और नए नए और बहुत क्रिएटिव पोस्टर्स एक दूसरे के बारे में यहाँ पर निकाले जाते हैं। और इस बार जो पोस्टर यहाँ पर सामने आया है उसमें जिनकी एंट्री जो है वो होती हुई नजर आई है, और यहाँ पर चुनावी संग्राम जो है वो और तेज होता गया है। यहाँ पर विपक्षी राष्ट्रीय जनता दल की ओर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी को कुर्सी के प्यारे और बिहार के हत्यारे के रूप में दिखाया गया था। उस पोस्टर के यहाँ पर एक तरीके से जवाब देते हुए यहाँ पर जेडीयू ने एक और पोस्टर यहाँ पर लगाया है जिसमें एक अलादीन के चिराग से जिन निकलता हुआ नजर आ रहा है, और साथ ही यहाँ पर जिन इस पोस्टर में लालू यादव से कहता हुआ नजर आ रहा है कि अब तेरी बातों में मैं नहीं आऊंगा। और साथ ही इस पोस्टर में कुछ लोग और भी नजर आ रहे हैं और ये कहते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं कि क्या कीजिएगा जब रखवाले ही चोरी करें, चोरी करके तुमसे ही सीना चोरी करें। तो यहां पर आरजेडी पर निशाना साधा गया है, लालू प्रसाद यादव को यहां पर एक तरीके से उन पर निशाना साधा गया है, उनको कटघरे में यहां पर खड़ा किया गया है। साथ ही साथ यहां पर उस पोस्टर जो पूरा पोस्टर बनाया गया है उसमें नारे भी यहां पर लिखे गए हैं, और नारे में यहां पर लिखा हुआ है कि कहे बिहार सुनो भाई बहनों, घोटालेबाजों के गुण तीन, मान हरे धन संपत्ति लूटे और मति ले छीन। तो इस तरीके के नारे यहां पर लगाए गए हैं जिनको निकाला जा रहा है यहां पर। साथ ही साथ यहां पर अगर हम बात करें तो लालू यादव और शाहबुद्दीन को जेल के अंदर भी दिखाया गया है। तो यहां पर जिस तरीके से आरजेडी ने जेडीयू पर निशाना साधा था इससे पहले बिहार के यहां पर इससे पहले जो पोस्टर लगाया गया था उसमें कुर्सी के प्यारे और बिहार के हत्यारे लिखा गया था, तो उसको लेकर अब जेडीयू ने आरजेडी पर निशाना साधा है और यहां पर जिनके जरिए लालू प्रसाद यादव को घेरने की पूरी कोशिश की। राजस्थान